Hey guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So yes, आज की जो मजेदार वीडियो है वो है एक बहुत ही मशहूर सी ब्रांड की एक जबरदस्त सी प्रोडक्ट के ऊपर, जिस ब्रांड की पहले भी मैं कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूँ और आपका एक बहुत ही भरपूर सा फीडबैक उसके ऊपर आया था. तो लिहाजा मैं उसी ब्रांड की एक दूसरी प्रोडक्ट जो कि बहुत अमेजिंग है एज़ यूजुअल, उसको लेकर आई हूँ आपके पास एक रिव्यू के लिए, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है और जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ. और मैंने सोचा कि उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग भी जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें. तो विदाउट फर्दर डिले वी शुड राइट जंप्स ऑन टू द वीडियो. और गाइस, तो सबसे पहले जो है वो मैं माइसेलर वाटर ले रही हूँ और एक कॉटन पैड लिया है जिससे मैं सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करूँगी, क्योंकि मेरे मेकअप हुआ हुआ था. तो सबसे पहले जब हम मेकअप रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद हम क्लिंजिंग की तरफ जाएंगे, तो आपको नज़र आ रहा है कि माइसेलर वाटर ने कितनी ज़बरदस्त से मेरा जो है वो मेकअप रिमूव किया है और ये बहुत ज़बरदस्त है. और इसके बाद मेरा पूरा का पूरा फेस जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर अब ज़रा सा भी मेकअप नहीं है. दैट्स मीन कि मेरा पूरा मेकअप जो है वो अच्छे से इसने रिमूव कर दिया. अब मैं VLCC की क्लिंजिंग मिल्क ले रही हूँ और इसका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो निकालूँगी. आप जितना भी आपको यूज़ करना आप उतना निकाल सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी जो है क्लिंजिंग मिल्क नहीं निकल रहा था. खैर, जितना मुझे यूज़ करना था वो मैंने निकाला और उसके साथ मैं जो है वो अपने फेस और नेक पर मसाज शुरू कर रही हूँ. इस तरह से आप कोई भी स्टेप अप्लाई कर सकते हैं और जिस तरह के भी आपको आते हैं, ठीक है. और कुछ अच्छे से जो रिलैक्सिंग से आपके स्टेप्स हों वो आप करें ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है वो सुकून मिले और आपकी स्किन बिल्कुल रिलैक्स हो जाए. तो इस तरह से मैंने जो है वो थोड़े से स्टेप्स किए हैं और मैं इस तरह से अपनी अच्छे तरीके से उसको फेस और नेक पर अप्लाई कर रही हूँ. नेक के एरिया को मत भूलिएगा, क्योंकि हम अक्सर जो है वो नेक को इग्नोर कर देते हैं लेकिन फिर आपकी जो नेक है वो थोड़ी सी डार्क लगने लगती है और आपका फेस जो है वो अच्छा और ग्लोई सा लगता है. लिहाजा ज़रूरी है कि आप इन दोनों पार्ट्स को एक साथ क्लिंजिंग करें इन पर, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी क्लिंजिंग जो है वो डन हो गई है और मैंने एक स्पंज की मदद से जो है इसको रिमूव किया है और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी साफ़ लग रही है. और इस स्पंज का क्या हाल हुआ है, जबकि मेरा पूरा का पूरा मेकअप जो है मैंने माइसेलर से बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया था, पर उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसने जो है वो मेरी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को, मेकअप को रिमूव किया है. दैट्स वाई आई लव दिस क्लिंजिंग अलॉट अलॉट. और अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी अच्छी साफ़ सुथरी एकदम ग्लॉसी और शाइनी सी हो गई है. और ये जो एक अदद पिंपल है इसे मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि मेरी नोज़ का एरिया कैसे टिमटिमा रहा है और इस स्पंज का क्या हाल हो गया है, क्योंकि इस क्लिंजिंग ने पूरा का पूरा मेकअप जो भी मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब था माइसेलर के बावजूद, कितना ज़्यादा मेकअप इसने मेरी स्किन से रिमूव किया है और अब मेरी स्किन बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट महसूस हो रही है, आप देख सकते हैं. Alright, so my lovely people, ये था आज का मज़ेदार सा रिव्यू. उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और आप सब जानते हैं कि VLCC तो मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है और इसकी ये प्रोडक्ट तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जिसको मैं पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ. और मैंने जितने भी लोगों को इस प्रोडक्ट का बताया है उन सबको भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग लगी है. तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और ये आपके लिए भी इक्वली ऐसी ही बेनिफिशियल होगी और आप लोग भी इसको इन्जॉय करेंगे. तो लिहाजा जब आप इसको यूज़ करें और एक्सपीरियंस करें और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवाल के जवाब दे सकूँ जिस हद तक भी मुमकिन हो. सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाए और मेरी आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें. सो यस, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक आप मुझे रखिएगा दुआओं में याद. तो मैं ज़रूर एक मज़ेदार सी वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी आपके पास. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई लव यू गाइज, बाय.